जय श्री राम। 14 जनवरी 2024 भगवान राम के 75वें प्रकटोत्सव के अवसर पर अयोध्या में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अयोध्या वासियों ने भाग लिया। इसमें सभी संत और जो भी अयोध्या वासी थे वो सभी लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में भांगड़ा, रथ इत्यादि शामिल थे और सभी साधु संत इस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी पात्र बनाए गए थे शोभा यात्रा के लिए। उन सभी पात्रों का पूजन होता है, आरती होती है, उसके पश्चात जो है शोभा यात्रा अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा के लिए निकल गया था। यह शोभा यात्रा अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से शुरू होते हुए, टेढ़ी बाजार से होते हुए पूरे राम मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फिर वहीं क्षीरेश्वरनाथ पे इस शोभा यात्रा की समाप्ति होनी थी। सभी अयोध्यावासी काफ़ी प्रसन्न थे और वैसे भी 22 जनवरी जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां नज़दीक आती जा रही हैं, अयोध्या में एक उत्सव का माहौल बनता जा रहा है। सभी अयोध्यावासी काफ़ी उत्साहित थे और आरती उतारते हैं प्रभु श्री राम की और जय श्री राम के जयकारों से शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ती है। इस शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों ने भगवान राम की झांकियों का स्वागत किया। भक्तों ने भगवान राम की जयकारे लगाए और फूलों की वर्षा की और सामने देख रहे हैं सभी लोग उत्साहित थे। आज ही के दिन अयोध्या को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भी मिली थी। माननीय योगी जी ने इन बसों को फ्लैग ऑफ किया था। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में सभी माताएं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो सभी काफ़ी प्रसन्न थी और झूम रही थी। इसके बाद शोभा यात्रा टेढ़ी बाजार से होते हुए पूरे रामकोट की परिक्रमा करने के लिए निकल जाती है। भगवान राम के 75वें प्रकटोत्सव के अवसर पर अयोध्या में निकली गई यह शोभा यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी। यह शोभा यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि भगवान राम अयोध्या के लोगों के दिलों में आज भी उतना ही जीवित हैं जितना कि सदियों पहले थे। यह शोभा यात्रा काफ़ी भव्य थी, सभी अयोध्यावासी सम्मिलित हुए। इस शोभा यात्रा में कई बड़ी हस्तियां भी सम्मिलित हुई थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद वो भी सम्मिलित हुए थे इस शोभा यात्रा में और यह शोभा यात्रा अंत में क्षीरेश्वरनाथ पे जाके समाप्त होती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अयोध्या से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। जय सियाराम। धन्यवाद।